बीती रात अज्ञात चोरों ने कस्बा सुबेहा स्थित एक मंदिर को अपना निशाना बना डाला और मंदिर के अंदर मौजूद चांदी का मुकुट, लगभग 250 ग्राम चांदी का त्रिशूल, 150 ग्राम मांग, बीड़ी सोने की 4 ग्राम, दान पत्र में रखे 50,000 रुपये नकद सहित लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए और रफू चक्कर हो गए। सुबह चोरी की घटना की जानकारी होने के बाद कमेटी के अध्यक्ष की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा सुबेहा जोहर वार्ड स्थित श्री संकट मोचन हनुमान एवं राजेश्वरी दुर्गा मंदिर पर बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर का चैनल खोल करके मंदिर के अंदर प्रवेश होकर मूर्ति पर चढ़ाए गए चांदी का मुकुट, त्रिशूल, सोने की मांग, बेदी सहित दान पत्र में रखे करीब 50,000 रुपए चोरी कर लिए। दान पत्र वहीं छोड़कर सुबह पूजा करने के लिए पहुंचे पुजारी ने देखा कि चैनल का गेट खुला है और मंदिर से सामान गायब है। यह नजारा देखकर पुजारी सन्न रह गए और उसकी जानकारी कमेटी के पदाधिकारियों को दी। चोरी की वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई। कमेटी के अध्यक्ष उमेश वैश्य, प्रमोद कुमार सिंह, राकेश तिवारी, महेंद्र कुमार, अशोक कुमार आदि पदाधिकारियों भी मंदिर पर पहुंच गए और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी को मामले से अवगत कराया। क्या नाम आपका है? मेरा नाम इंद्रजीत पांडे। कहाँ रहने वाले हैं? अल्पीपुरवा के। आप चोरी बरन जान, क्या मामला आपका है? यहाँ तो आते हैं हम लोग, पूजा आती है, हम हमेशा आते हैं कराने के लिए। अच्छा, हाँ। क्या सुबह आते हैं, शाम को नहीं आ पाते क्योंकि आँख से साइकिल चला नहीं पाते, इसलिए सुबह आ करके आरती पूजा करा करके चले जाते। आप पुजारी यहाँ के हैं? पुजारी हैं? नहीं, पुजारी तो यहाँ के श्री प्रसाद हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद, यदि मंदिर में चोरी हुई है, इसमें क्या सामान गया है? चांदी का मुकुट है, चांदी का त्रिशूल है और मांग बिंदी है और चांदी की छोटी छोटी दो अंगूठी और दान पात्र। इतना गया है जी।